पुलवामा हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार बढ़ते दबाव और भारत की जवाबी कार्रवाई के डर से पाकिस्तान ने भी युद्ध को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने गुरुवार को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के साथ बैठक कर पाकिस्तानी सेना को भारत की ओर से होने वाले हमले को लेकर तैयार रहने को कहा है। गुनाह करके वो सबूत की मांग करते हैं, दिन के उजाले में जुगनू से चमकने की बात करते हैं। यही नहीं, पाकिस्तान इस कदर डरा हुआ है कि उसने पाक अधिकृत कश्मीर और नियंत्रण रेखा के आसपास के गांवों में लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। इसके लिए खास तौर पर एडवाइजरी जारी की गई है। भारत के साथ तनाव बढ़ने के बाद पीओके में स्थानीय प्रशासन ने अस्पतालों को एक नोटिस भेजा है। इसमें कहा गया है कि यदि पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध छिड़ता है तो ऐसी सूरत में अस्पताल मदद के लिए तैयार रखें। पाकिस्तान ने भारत के साथ जंग की तैयारी शुरू कर दी है। 21 फरवरी को पीओके की सरकार ने एलओसी से लगे नीलम, झेलम, रावलकोट, हवेली, कोटली और भिंबर में ये एडवाइजरी जारी करने के निर्देश दिए हैं कि वो भारत की ओर से होने वाले हमले के लिए सतर्क रहें। पाकिस्तान सरकार ने भारत की ओर से होने वाले हमले के डर से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने और समूह में ना रहने की सलाह दी है। नोटिस जारी कर पाकिस्तान सरकार ने लोगों से कहा है कि वो एलओसी के पास बिना वजह ना जाएं और रात में जरूरत पड़ने पर ही लाइट जलाएं। बता दें कि भारत ये हमेशा से मांग करता रहा है कि जैश तरगना मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया जाए, लेकिन चीन इस पर हमेशा से अड़ंगा लगाते आया है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि यदि भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो चीन पाकिस्तान की मदद को आगे आएगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।